अब खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां एसीबी और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। छगनलाल जाट के घर पर दबिश दी गई है। कपासन के गोराजी का निम्बाहेड़ा में एक कार्रवाई की गई है। छापे के दौरान भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई है। 22 लाख रुपए की नकदी भी साथ ही बरामद की गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। कपासन के गोराजी का निम्बाहेड़ा में एक कार्रवाई की गई है। चित्तौड़गढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, जहां भारी मात्रा में अफीम और नकदी बरामद कर ली गई है। छगनलाल जाट के घर पर दबिश दी गई। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। भारी मात्रा में अफीम बरामद की गई है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता सलमान फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी सलमान, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। देखिए लगना, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है देर रात का है, और यहाँ पर एसीबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने यहाँ चित्तौड़ में नारकोटिक विभाग के अधिकारी को घर पे दबिश दी थी। यहाँ पर प्रतापगढ़ के जो नारकोटिक अधिकारी हैं, उनके घर से 14 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, 81,000 रुपए नकद मिले वहां पर। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की जो नारकोटिक कॉलोनी है, वहां पर एएसआई और कांस्टेबल के घर से भी नकदी और शराब की बोतलें मिली। जब पुलिस मामला दर्ज कर दिया गया पुलिस ने, तो इसके बाद पुलिस ने पूछताछ में इन लोगों ने नारकोटिक अधिकारियों ने अफीम का जो मुखिया है उसके घर पर अफीम होना बताया। पुलिस ने कपासन के गोराजी भी पड़ा और गोराजी भी पड़ा, और इसके अलावा राशमी के जो भीमगढ़ है वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया। जब कहीं किलो अफीम वहां मिली है, पता जाता सूत्रों से 136 किलो वहां अफीम मिली। जी, क्या जो छगनलाल जाट है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, उनको उनको कर लिया है गिरफ्तार, और वहां से उनको लेके सीधा भीमगढ़ वहां गई पुलिस भेजे, कवर टीम है वहां पर, और वहां से भी जो उनके मुखिया है अपनी अधिकारी का, उनको लेकर राष्ट्रीय थाना पहुंच चुकी है वहां पर। और ये जो पूरा मामला है, ये सही काम से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इन्हें 26 जनवरी को वहां पर कोटा में एक बड़ी गुटकांड में गिरफ्तार किया था। जी सलमान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने एक कार्रवाई की है और भारी मात्रा में जो नकदी बरामद कर ली गई है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।